बस रेवती, जो हुआ सो हुआ, अब इन सब बातों को और हवा देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गुड्डन, अंतरा के साथ जो हुआ वो उसके अपने कर्मों का फल था, उसकी मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। और वैसे भी हमारे घर में अब एक नया सदस्य आने वाला है, उसके आने की खुशियों को छोड़कर हम ये बेकार की बातों पर ध्यान ना दें तो बेहतर होगा, राइट? चलो गुड्डन। सबकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। क्या कहा आपने नीचे कि जो हुआ सही हुआ? अंतरा इतनी भयानक मौत डिजर्व करती थी क्या? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है? हमारे हाथों से तीर चला है जिंदल साहब, हमने मारा है उसे। अंतरा को उसकी किस्मत ने मारा है गुड्डन, तुमने नहीं। अच्छी से अच्छी किस्मत भी जवाब दे जाती है अगर इंसान के कर्म गलत हो तो। अंतरा की मौत एक हादसा थी, दैट्स इट। उसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। कितने बदल गए हैं आप जिंदल साहब, समझ ही नहीं आता कब झूठ बोल रहे हैं कब सच। भी थोड़ी देर पहले आप हमसे नफरत करते थे, हमसे नाराज थे कि हम अपनी जिंदगी से अलग करना चाहते थे, और अभी सारी दुनिया के सामने हाथ पकड़कर हमारा साथ दे रहे हैं। कभी गोली मारकर हमें मरने छोड़ देते हैं, कभी बचाने पहुंच जाते हैं। अचानक से ये फिक्र क्यों? चाहते क्या है आप? ये नजरें चुराने से सच नहीं बदल जाएगा चिंदल साहब। क्यों मारी आपने हमें गोली? तो अंतरा भी नहीं है ना चिंदल साहब, अब ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको अब भी हमें सच बताने से रोक रही है? बोलिए ना, आपकी ये चुप्पी कांटे की तरह हमारे दिमाग में चुभ रही है चिंदल साहब। क्यों नहीं सच बोल रहे आप? और समय नहीं दे सकते हम आपको, बताइए सच, बताइए सच। अभी क्या अभी जिंदल साहब? कितनी बार एक ही सच बताऊं, बार बार पूछे जा रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? हो गए हो पागल, और क्यों ना हो पागल? आपकी झूठी ईंटें सजा सजा कर वो जो सच की दीवार आप खड़ी करना चाह रहे हैं उससे थक चुके हम। क्यों मारी आपने हमें गोली और फिर क्यों बचाया? मरने देते ना हमें वहां पर, रावण दहन के साथ हमें हमारे प्यार को हमारे रिश्ते को खत्म हो जाने देते जिंदल साहब। गुड्डन, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब है जिंदल साहब, बस उस जवाब को कहने की हिम्मत नहीं है। ना आप हमें मारने की वजह बता सकते हैं और ना ही हमें बचाने की। हम आपसे जा नहीं सकते और करीब आप हमें आने नहीं दे रहे। तो फिर क्या करें आप ही बताएं। नहीं बता सकता तुमको सच गुड्डन, नहीं बता सकता कि तुम्हारी अपनी छोटी बहन ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनने पर तुली हुई है। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त है मुझे, पर तुम्हें सच बताकर मैं तुम्हारे दिल को इतनी गहरी चोट नहीं दे सकता जिससे शायद तुम कभी उभर नहीं पाओगे। तुम्हें जो समझना है समझो गुड्डन, पर सच यही है कि मैंने तुम्हें प्यार के नाते नहीं, इंसानियत के नाते बचाया था। ये छोटी सी बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में नहीं घुस पा रही है ना, तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बट फॉर गॉड्स सेक
एक ही सवाल बार 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 पूछ के स्टॉप इरिटेटिंग मी, मेरा दिमाग खाना बंद करो। इतना तो समझ गए आप जिंदल साहब कि आपके झूठ के पीछे का सच अंतरा की मौत से बहुत बड़ा है। पर सवाल अभी भी वही है, ऐसा क्या है जो अभी आपको सच छिपाने पर मजबूर कर रहा है? क्या बात है, क्या एक्टिंग करते हैं आप जीजू। मतलब मुझे तो लगा था ये वीडियो के खुलासे के बाद आप ना भावुक होकर सब कुछ गुड्डन को बता देंगे, मगर वेरी नाइस। वैसे पता है क्या, आई थिंक ये जेल ना आपको सूट कर रहा है। मतलब यहाँ की हवा ने ना आपको और भी ज्यादा पत्थर दिल बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आप जब अंदर रहेंगे और गुड्डन बाहर रहेगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर सीढ़ी वीढ़ी से फिसल कर गिर गई तो, या फिर किसी ट्रक वक के नीचे आ गई तो, या फिर नींद में चलता कर दिया तो? रिवती, डोंट यू डेयर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बाप रे जीजू, आराम से, अपने तो मुझे डरा दिया। भूलिए मत, ये जेल है, आपके रेस्टोरेंट का किचन नहीं जहाँ पे आप जोर से चिल्ला कर कहेंगे तो सब कहेंगे जी हुजूर, बोलिए क्या बात है। कुछ दिन जेल में रहिए गुड्डन से दूर, तो ये जितनी भी ताकत, ये जितने भी जोश है ना, सब खत्म हो जाएगी। ये जो आपके अंदर का खून खौल रहा है, हाँ, ये वाला आंसू बन के बाहर निकलेगा। अब देखिए ना, आप गुड्डन को सच बता पाएंगे, ना आप जेल से बाहर जा पाएंगे, और जरूरत पड़ने पर आप गुड्डन की मदद भी नहीं कर पाएंगे। खैर चलिए, बहुत हुआ स्वर्ग की सैर अक्षत जिंदल, अब थोड़ा नर्क का भी नमक चखिए। उस वीडियो के बारे में पता था ना तुमको? इतनी बड़ी बात छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? जब अंतरा थी तो हाथ और जुबान दोनों ही बहुत चला लिया तुमने, मगर अब ये चोरू गुलामी नहीं करेगा। वैसे भी अंतरा के जाते ही खेल पूरी तरह से खुल चुका है, तो अब ना ही मैं तुम्हारी ये बकवास बातें सुनूंगा और ना ही ये वाहियात हरकतें। ओके, और हाँ, रही बात उस रिकॉर्डिंग की, तो हाँ, मुझे पता था कि अंतरा के पास वो रिकॉर्डिंग है, पर क्या है ना, अंतरा और मैं, हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो बात तुम्हें पता चले। बेचारी अंतरा तो चली गई, पर उसके रचे हुए षड्यंत्र और उसके खेल आज भी अक्षत और गुड्डन की जिंदगी में तूफान लेकर आ रहे। क्या बंदी थी यार, शैतान उसकी आत्मा को शांति दे। एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें। हाँ चलो 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 चलो, हाँ ये कोई तुम्हारा मेकअप किट नहीं है, कहीं पे भी फेर दिया। शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ हाथ पर चला है। साथ बकवास की ना तो तेरे चेहरे का पूरा मेकअप बिगाड़ दूंगी, समझे? और ये निशान तुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है, जैसे वो अंतरा नहीं थी। अंतरा नहीं थी क्या मतलब? हाँ, तेरी माँ अंतरा, जिसकी जय जयकार करते नहीं थक रहे हो तुम। तुझे पता है उसको किसने मारा? मैंने। क्या? अंतरा को तुमने मारा? उस अंतरा को तो मरना ही था। मेरे अंगद जी की मौत की सबसे बड़ी वजह तो वही थी ना, उधर शैतान गया और इधर मेरे लाइफ में थोड़ी सी शांति आई।
अच्छा सुन, तू ना अपनी किटी पार्टी की जनानियों की तरह ये बात मोहल्ले में फैला मत देना, वरना ये चाकू यहाँ भी लग सकता है, नहीं तो यहाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहीं पर भी लग सकता है। उठे गुड़ियों से खेलने वाले हाथ आज खून की होली खेल रहे हैं। जिस रेवती का असली चेहरा मैं नहीं बचा पा रहा हूं, सोचो गुड्डन से उस सच का सामना कैसे हो पाएगा। पूरी पागल हो गई हो क्या तुम? वो अंतरा नहीं, गुड्डन है यू फूल। जितना तुम अपने आप को समझदार समझती हो ना, उतनी ही बड़ी बेवकूफ हो तुम। ये सब एक प्लान था गुड्डन का, तुम्हें पकड़ने के लिए। अपने पागलपन में तुम अंतरा को नहीं, अपनी बहन गुड्डन को मारने जा रही थी रेवती। रेवती, मैंने कहा था तुमसे, मेरे होते हुए गुड्डन पर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। क्या कहा आपने? रेवती है सबके पीछे, हमारी छोटी बहन, उसे बचाने के लिए क्या आपने सब? बोलिए ना जीतन साहब, बोलिए ना। रेवती ने कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों लिया उसका नाम? बताना तो पड़ेगा अब आपको कि सच क्या है जीतन साहब। हिम्मत की तरह हम भी डट जाएंगे और यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक आप सच्चाई नहीं बता देंगे। एक बार सच बोल कर ना, वापस से झूठ की राह पर नहीं जा सकता, बताइए ना। बोलिए जिंदर साहब, बोलिए, प्लीज सच बता दीजिए। हमारी छोटी बहन नहीं कर सकती ना हमारे साथ ऐसा। वो नहीं है ना इस सबके पीछे, लेकिन फिर क्यों लिया आपने उसका नाम? नहीं बताएंगे आप, लेकिन आज आपको सच बताना ही होगा जिंदर साहब। आपको और समय नहीं देने वाले, अब हम आपके सामने रेवती से बात करेंगे। सच छिपाना चाहते हैं ना आप? अब जो होगा आपके सामने होगा, सच तो आज बाहर आकर ही रहेगा। इस बार अपने हाथों से गोलियां भर कर लाया हूं बीवी जी। जी तो करता है के छह गोलियां तांतू तुम पर। इतना समझाने के बावजूद भी तुमने अपनी मनमानी की ना, मार दिया ना अंतरा को। तुम्हें शक्ल देख के समझ नहीं आ रहा है कि तुम दुखी हो या फिर गुस्से में हो। गुस्सा? ना गुस्सा और ना दुख। अंतरा तो अब रही नहीं, तो अब मैं आजाद हूं। अंतरा को तो तुमने मार दिया, पर साथ ही साथ अपनी मौत का फरमान खुद ही जारी कर दिया। रिलैक्स पर रिलैक्स, मैंने उस अंतरा को नहीं मारा, एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके जिंदा होने की खबर फेक थी। व्हाट? यस। छुटकी, छुटकी नीचे आ।
हमें तुझसे जरूरी बात करनी है अभी। अब क्या बवाल हो गया? पता नहीं, चलो देखते हैं। चलो आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? और ये जीजू क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कहीं इन्होंने आपको अपने झांसे में तो नहीं फंसा लिया और आप इनको बचा के यहाँ ले आई? दी भूलिए मत, ये धोखेबाज है, इन्होंने आप पे गोली चलाई थी। क्या हुआ दी? वो गुड्डन जिसने हमेशा हर किसी का सिर्फ भला ही चाहा, वो गुड्डन जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वो गुड्डन जिसने मुझ जैसी पत्थर दिल माँ को भी बदल दिया। आज तुम मुझसे गलत मानकर खुद को सही कह रही है? नहीं रीति, तुमने जो किया है ना वो सही नहीं है, वो अनर्थ है, अनर्थ। आज तुमने अपने माँ बाप का सर शर्म से झुका दिया है रिद्धि। मैंने कभी सपने में भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। आज तुम्हें अपनी बेटी कहने के लिए भी दुख हो रहा है मुझे। खुश हो गई तुम? हाँ, पहले मेरा प्यार छीना, अब मेरा परिवार। लेकिन ये मत सोचना कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हारे लिए तो मेरी नफरत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और ये नफरत कभी कम नहीं होगी गुड्डन। रेवती जी, गुड्डन जी पर गोली चलाने और उन्हें मारने की कोशिश करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर आप यहाँ? जी, ये सब गुड्डन जी का ही प्लान था, उस काले लिबास वाले को पहचानने और उसे गिरफ्तार करवाने के लिए। क्या? अरेस्ट ऑफ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी बहन रेवती पर कोई केस दर्ज नहीं करना। लेकिन गुड्डन जी, हम एक अपराधी को इस तरह खुलेआम नहीं छोड़ सकते। रेवती हमारी अपराधी है ना इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है। प्लीज। ठीक है, चलो। आज तेरे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा चुटके, ना पुलिस वाले, ना जिंदल साहब, ना कोई और। बदला लेना चाहती है ना हमसे? चला गोली और कर ले अपने मन की बुराई। तू पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तू?
इतने आसानी से नहीं मारूंगी गुड्डन, तुमको तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी। हर पल मरोगी तुम इस ख्याल में कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी छुटकी तुमसे बेइंतहा नफरत करती है, तुम्हें मारना चाहती है। वो जिस तरह मेरे अंगद जी मरे थे, ठीक उसी तरह तुम भी मरोगी। तुम्हें, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे प्यार को जला के राख कर दूंगी मैं। अच्छा दीदी सुनो ना, ये केक को ना टाइम पर पहुंचाना होगा, ठीक है? दोबारा मत बोलना कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपसे सब हो सकता है दी, सब कुछ। जानता था कि रेवती का सच जानकर तुम्हें तकलीफ होगी बेटा। पर तकलीफ में तो छुटकी भी है ना जिंदल से। गुड्डन, रेवती अपनी नफरत में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारे इस केक की मिठास शायद उसके अंदर की कड़वाहट को कम कर पाए। जानते हैं। पर पता है जिंदल साहब, कभी कभी ना हार जीत से ज्यादा जरूरी होता है कोशिश करना, और उस कोशिश को करते रहना। हमें ना बचपन में पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पर हर बार सफल नहीं होते थे। कई बार हवा तेज हो जाती थी तो पतंग ही कट जाती थी हमारी, पर हम कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। और जैसे ही पतंग को बराबर हवा मिलती थी ना, तो फिर मोहल्ले की सबसे दूर तक जाने वाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाली पतंग हमारी होती थी। कुछ वैसी कोशिश हम छुटकी के साथ करना चाहते हैं, भले ही हमारी कोशिश को मनचाही मंजिल ना मिले, उसे मनाना तो नहीं छोड़ेंगे। क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि ये लड़की एक साल पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी। अच्छा, ऐसा क्या थे हम? एक मिनट। तुम थी और अब इस गुड्डन तुमसे हो पाएगा की कोशिश में तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हर मुश्किल को, हर मुसीबत को हम दोनों साथ मिलकर हराएंगे। तो चलो अब रेवती के लिए जो स्पेशल केक बनाया जा रहा है वो भी साथ में बने। छुटकी, देख हम तेरे लिए क्या लाया। हम तेरे लिए अपने हाथों से तेरा फेवरेट केक बनाकर लाए। छुटकी, तुझे याद है ना जब हम कुछ कांड करके आते थे तो मम्मी पापा में कैसे हड़काते थे, और तू हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए हमारा फेवरेट केक बनाती थी। ठीक वैसे ही ना आज हमने बहुत दिल से अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। चल साथ में मिलकर काटते हैं। सोच क्या रही है, चलना साथ में मिलकर काटते हैं। चल 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 चल, चल। ले। चल छुटकी। तुमने क्यों मुझे छोटी बच्ची समझ के रखा है जो ये केक देखकर सब भूल जाऊंगी। बड़ा दिल से बनाया है ना ये केक। ठीक है, ये लो बहुत दिल से बनाया, ये लो। कट कर दिया तुम्हारा केक। आइंदा ऐसी नौसिखियों वाली हरकतें की ना तो ये केक सीधा तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा। अगली बार क्यों छुटकी, अभी मार दे। देख, तुझे मनाने से हम पीछे नहीं हटने वाले,
चाहे तू कुछ भी हरकत करती रहे, फिर अगर हमारी चुटकी को ये खे कम पर मारकर खुशी मिलती है ना, कम रेडी चल मार। टेस्ट ले रही हूँ मेरा? जब तुम्हें गोली मार सकती हूँ तो ये केक क्या चीज है? वही तो कह रहे हैं, अगर तेरे हाथों गोली खा सकते हैं तो केक क्या चीज। ठीक है, कहा था ना गुड्डन सासू माँ के साथ उनकी बहुएं ढाल बनकर खड़ी हैं, और वो चाहे कुछ कहे या ना कहे हम चुप नहीं रहेंगे। तुम्हें यकीन है कि जिसके बारे में तुम बोल रही हो उससे गुड्डन और जिंदल परिवार की जिंदगी में तूफान लाना हो पाएगा? एक बार मुझसे हाथ मिला के तो देखो रेवती, फिर तूफान तो क्या। एजे, गुड्डन, पूरे जिंदल परिवार की जिंदगी में जलजला फैला दूंगी मैं। कौन है जो ये जलजला फैलाने में हमारी मदद करेगा? एक ऐसा तूफान जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ए लड़की रुक, कहाँ भाग रही है? ए, 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 रुक, ए लड़की रुक, ए, रुक। ए, कहाँ जाएगी भागकर? हिम्मत है तो आके ले ले। गुस्सेल शेरनी जैसी आंखें हैं उसकी, एक ही पंजे के वार से दुश्मन को चीर के रख देती है, इतनी ताकत है उसमें। दोगलेपन से सख्त नफरत है उसे। कोई एक बार उसके हत्थे चढ़ता है ना तो भगवान ही मालिक है उसका। आखिर कौन है ये और हमारे मकसद को पूरा करने में क्या मदद कर सकती है हमारी? ये वो है जो गुड्डन की जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेगी, यंगेस्ट सास की जिंदगी में तूफान लाएगी। सुनो बे तुम सब लेडीज लोग, अगली बार मेरा हक छीनने की कोशिश की ना तो ऐसी ऐसी जगह शाबाशी दूंगी कि अगली बार जब शीशे में अपनी शक्ल देखोगी ना तो मैं दिखूंगी। समझ में आई बात? और वैसे भी रोटी रोटी पे लिखा है खाने वाले का नाम, अलीशा से जो उसका हक छीने अलीशा सब कुछ छीन लेती है। और उसका ऐसा रिश्ता है गुड्डन और एजे के साथ कि वो दोनों इस रिश्ते को ना ही निगल पाएंगे और ना ही उगल पाएंगे। कल पूर्णिमा की पूजा के दौरान उस पनौती के कदम पड़ेंगे जिंदल भवन में,
और कदम पड़ते ही ऐसा भूचाल आएगा जिंदल परिवार में कि सब के सब दफन हो जाएंगे हमेशा के लिए। पूर्णिमा की पूजा बनेगी उन सब के लिए अमावस्या की रात। अलीशा अंतरा जिंदल, कल सुबह तुम्हारी रिहाई है, बी रेडी। अरे वाह, सही है, कल होगी मेरी रिहाई और साथ ही साथ शुरू होगी अक्षत जिंदल और उसकी माशूका की सुनवाई। गुड़िया,